राजकीय महाविद्यालय बट्टू कला में हिंदी दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें निबंध लेखन में दीक्षा ने प्रथम, कविता ने द्वितीय व कल्पना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कविता वाचन में शिया ने प्रथम, सोनू ने द्वितीय व साक्षी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी कड़ी में भाषण में कल्पना ने प्रथम, लिया ने द्वितीय व शिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉक्टर सुभाष त्याग ने विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हिंदी ही हमारी पहचान है। इस अवसर पर हिंदी सलाहकार समिति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार सदस्य पवन कुमार सागर ने बतौर विशेष अतिथि भाग लिया। पवन सागर ने हिंदी की महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि आज हिंदी भाषा संस्कृति व संस्कारों की भाषा है। इसका प्रचार प्रसार लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदी प्राध्यापक दिलसुख राम ने सफल मंच संचालन करते हुए हिंदी भाषा के बारे में जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राजाराम ने विशेष सहयोग दिया। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल में प्राध्यापक सीताराम, राजेश कुमार, दिलसुख राम, अनिल शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर प्राध्यापक डॉक्टर रविंद्र भूमक, अनिल सेरावत ने हिंदी भाषा के विकास बारे विद्यार्थियों को बताया। इस दौरान कॉलेज परिसर की ओर से विशिष्ट अतिथि पवन सागर को प्राकृतिक संस्करण संरक्षण का संदेश देते हुए एक पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया।